एस्ट्रो लवर्स, शिमारू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमांत महाराणा है, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, साथ में भारतीय विद्या भवन में इस सब्जेक्ट का प्रोफेसर भी हूँ। जैसा कि हम सब लोग एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो सबको ये उत्सुकता है कि नया साल हमारे लिए कैसा रहेगा। चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। नया साल 2020 जो न्यूमरोलॉजिकली चार अंकों से जुड़ रहा है वो है 2020। देखिए दोस्तों, ये नंबर कितना सुंदर है, ये सिमेट्रिकली बिल्कुल परफेक्ट नंबर है। एक साइड 20 है, अगले साइड 20 है। जैसा हम जानते हैं, कोई भी सिमेट्रिकल चीज़ इंसान को आँखों में देखने के लिए अच्छी लगती है और स्ट्रक्चरली काफ़ी मजबूत होती है। ऐसा ही कुछ हम लोग 2020 से उम्मीद कर सकते हैं। चलिए 2020 को और थोड़ा न्यूमरोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये नंबर 2020 से बना है। 2020 से अगर 0 हटा दें, जिसका कोई न्यूमरोलॉजिकली वैल्यू नहीं होता है, तो नंबर बचता है 2 and 2, दैट इज़ 22। 22 न्यूमरोलॉजिकली एक मास्टर नंबर होता है, जिसको हम लोग मास्टर बिल्डर नंबर भी बोलते हैं। ये नंबर बहुत खास होता है। इस नंबर के लोग काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें बना सकने की क्षमता रखते हैं जो काफ़ी मेजर स्केल या बड़े स्केल पे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नंबर में 2 2 बार है। 2 न्यूमरोलॉजिकली मून को सिग्निफाई करता है, तो इस भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि अगला नंबर डबल मून है। डबल मून मीन्स हाई इमोशनल नंबर, और आप फीमेल ओरिएंटेड नंबर भी बोल सकते हैं। मून इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑफ फीमेल ऑल्सो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम लोग सारे नंबर को प्लस करते हैं, दैट इज़ 2 + 0 + 2 + 0 विच कम्स टू नंबर 4। नंबर 4 दोस्तों न्यूमरोलॉजिकली राहु को डिनोट करता है। राहु चंबर 4 को ओन करता है। चलिए पहले राहु के बारे में समझते हैं। राहु क्या है, राहु कैसा है? अगर आप थोड़ा सा राहु के बारे में समझेंगे, तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सिर्फ सर है, उसके पास उसकी बॉडी नहीं है। अभी अगर उसके किसी के पास सिर्फ उसकी चार चीज़ें हैं, जैसे कि उसके पास उसका मस्तिष्क, उसकी आंखें, उसका नाक एंड उसका कान, यही चार चीज़ों से राहु का सर बनता है मेजरली। बाकी और भी चीज़ें बहुत हैं, पर ये चार मेजर चीज़ें उनके पास है। तो कोई भी चीज़, इसलिए हम लोग राहु को स्पेशल एबल्ड प्लैनेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास बॉडी नहीं है, सिर्फ मस्तिष्क है, ब्रेन। जैसे राहु एक ब्रेनी प्लैनेट है, राहु अपने ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करता है। राहु जिसको ओन करता है, ये लोग अपने ब्रेन को बहुत सुपीरियर ढंग से यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रीम ढंग से यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे ही राहु की आंखें भी काफ़ी तेज़ होती है, राहु के कान भी बड़े तेज होते हैं, तो आप राहु से कुछ भी चीज़ छिपा नहीं सकते। इसीलिए हम लोग राहु को क्रिटिक्स ऑफ द डेक भी बोलते हैं। इनसे दे आर द बेस्ट क्रिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। उनसे कोई भी चीज़ छिपा नहीं सकते, वो कहीं भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में कोई भी गलती होगी, उस चीज़ को आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया राहु का पार्ट। आगे बढ़ते हैं। राहु जैसे कि मैंने बताया, उसके पास उसका पैर नहीं है, तो इसको आगे की कोई भी चीज़ करने में काफ़ी तकलीफ होती है। नॉर्मली राहु जिस लोगों को ओन करते हैं, उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं होती है। इसलिए इनको हर चीज़ एक बार में, इनको सक्सेस नहीं मिलने के चक्कर में, ये आदमी काफ़ी ज़िद्दी, या ये लोग काफ़ी ज़िद्दी और स्टबन भी होते हैं। राहु सिग्निफाइज स्टबननेस ऑल्सो। इसके आगे राहु के पास में एक चीज़ और है। राहु इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ सडन चेंजेस। कोई भी अचानक चेंजेस आता है, ये भी राहु सिग्निफाई करता है। अब ये सब चीज़ों के साथ हम लोग 2020 में प्रवेश कर रहे हैं राहु में। और एक खास चीज़ हमें समझना चाहिए कि राहु पुराने परंपराओं को भी चैलेंज करता है, पुराने ट्रेडिशंस को भी चैलेंज करता है। राहु लॉजिकल चीज़ों को मानता है और प्रमोट भी करता है। तो ये साल 2020 इंडिया के लिए या बाकी दुनिया के लिए कैसा रहेगा? पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉर्मली इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट गोज हैंड इन हैंड, ये चीज़ साथ साथ चलती है, इसलिए इस चीज़ों को हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी जो पुरानी चीज़ों से बन रही है, जैसे कि ट्रेडिशनल बैंकिंग, ट्रेडिशनल फाइनेंस स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल क्लोथ मार्केट, ज्वेलरी और कोई भी चीज़ें जो ट्रेडिशनल हैं या ट्रेडिशनल चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ों में हम लोग थोड़ा सा मंदी
का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये चीज़ें जिस हिसाब से अभी करंटली बढ़ रही है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा ठहराव आए या हो सकता है उस हिसाब से आगे ना बढ़े। बट इसके साथ टेलीकम्युनिकेशन, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी चीज़ जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम यूज़ होती है, वो चीज़ों में हम लोग कोई अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने की उम्मीद रख सकते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल रिसर्च, साइंटिस्ट, ये चीज़ें 2020 में काफ़ी डिमांड में आएगी, तो हमको अपने स्किल्स उसी हिसाब से अपग्रेड करने चाहिए। मोबाइल टेक्नोलॉजी और एनीथिंग जिसमें डेटा एनालिसिस होने वाला है, इस चीज़ में भी हम लोग काफ़ी उछाल देखने की उम्मीद रख सकते हैं। एग्रीकल्चर या कृषि में एग्जॉटिक फूड मतलब विदेशी फ्रूट्स काफ़ी अच्छा करेंगे, और साथ में राइस, दाल और पेडी हो सकता है थोड़ा अच्छा ना करें। हमें ग्रेप्स, मूंग दाल और शुगर केन के बिजनेस या कृषि काफ़ी अच्छी होगी। साथ में आलू और प्याज के मामले में हम लोग थोड़ा उतार चढ़ाव देख सकते हैं। राहु एक्सेप्शनल प्लैनेट है, तो हो सकता है मार्केट में काफ़ी अप डाउन कृषि के क्षेत्र में देखा जा सकता है। मार्च, जून और अगस्त कृषि के मामले में अगले साल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में राहु पुराने सिस्टम या पुराने परंपराओं को तोड़ने की कोशिश करेगा। पुराने परंपराएं मतलब पुराने मेथड ऑफ एजुकेशन। हो सकता है कि हम लोग कुछ नए मेथड ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट करें या पुराने मेथड को चेंज करके नए मेथड में लेके जाएं। सो स्टूडेंट्स, जिनके लिए ये ईयर काफ़ी क्रूशियल है, सो नए मेथड को अडॉप्ट करने के लिए प्रिपेयर रहें। कोई भी चेंजेस सडनली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। साइंस के मामले में या जो पुराने हमारे सब्जेक्ट्स थे, हो सकता है इसको ब्रेक करके नए सब्जेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। नया पैटर्न ऑफ एजुकेशन या नए सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन या नए स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस मार्केट में हो सकते हैं। बट ये स्ट्रीम्स मेनली डेटा या साइंस ओरिएंटेड स्ट्रीम में इंक्लूड होगा। तो दोस्तों या फ्रेंड्स, जो जिसके लिए एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन या जिनके लिए एजुकेशन ये साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द टाइप ऑफ शॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ वेदर या मौसम के बारे में बात करते हैं। 2019 जुपिटर का मौसम था, तो इसलिए हर चीज़ को एबंडेंस में देखा था, मतलब हर चीज़ ज़्यादा हुई थी। आप देख सकते हैं बारिश ज़्यादा हुई थी, गर्मी ज़्यादा हुई थी, ठंडी ज़्यादा पड़ी थी। बट राहु उसका उल्टा है, तो हो सकता है ये साल कुछ अलग ही चले और कुछ चीज़ बहुत एक्सट्रीम में हो, या हो सकता है बहुत चीज़ एकदम ख़राब हो या बहुत कम में हो। तो जहाँ पहले बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, हो सकता है वहाँ बारिश ना हो, और जहाँ हो सकता था बिल्कुल बारिश नहीं होती थी, वहाँ एक्सट्रीम बारिश होने के चांसेस हो सकता है। तो 2020 मौसम के मामले में काफ़ी उतार चढ़ाव वाला होने की उम्मीद है। लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर राहु, अगेन जैसे मैंने बोला था, ये नंबर एक मास्टर बिल्डर नंबर है। इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी नए इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कंस्ट्रक्शन बंद था, हो सकता है वो रीइनिशिएट करें। राहु मेजर और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, और 22 मास्टर बिल्डर होने नंबर होने के साथ ये नंबर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम काफ़ी प्रगति देखने की उम्मीद रख सकते हैं। 2020 का नंबर 4 होने वाला है। कुछ पुराने सालों को देखते हैं जिसका टोटल 4 था, जैसे 1996, 1975, 1984, 1993, 2002 एंड 2011। इन सब सालों में अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। इस सारे सालों में कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हुए थे, या कुछ अर्थक्वेक्स आए थे, या तो कुछ मेजर सेलिब्रिटीज़ या मेजर पॉलिटिकल लीडर्स की डेथ हुई थी। दैट इज़ ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड, लाइक लाल बहादुर शास्त्री, लाइक इंदिरा गांधी। सो हो सकता है इस साल भी कुछ मेजर पॉलिटिकल चेंजेस या फिर मेजर अर्थक्वेक्स आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि हम लोग देश की प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन दें। और इस मैसेज के साथ ही मैं सीमांत महाना आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट्स। पूरे वीडियो देखने के लिए
गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें शिमारु एस्ट्रो ऐप, अमेजॉन फायर स्टिक पर डाउनलोड करें शिमारु एस्ट्रो ऐप, एयरटेल डीटीएच पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रो वाणी चैनल, डिश टीवी और डीटीएच पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया चैनल।